मैं भी देखता हूँ इंद्रदेव, कैसे बचाएंगे आप इस सृष्टि को। अब तो आपको भी आभास हो जाना चाहिए कि यह सब कुछ आपके ही अहंकार का परिणाम है। धैर्य रखो पुत्र, धैर्य रखो। दशरी, हमारी हमारी सांस रुक रही है। हम खड़े नहीं हो सकते। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अमर है हम सब। ऐसी अमरता किस काम की देवराज? ये तो मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक है। प्राण वायु के बिना आप जी नहीं पाएंगे और अमृत पान के कारण आपकी मृत्यु नहीं होगी। नारायण नारायण, श्वासहीन देह से ना तो आप चल पाएंगे और ना ही कोई कार्य कर पाएंगे, ऐसा जीवन चाहते हैं आप? सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है स्वामी, और आपके कर्मों का फल हमारा पुत्र भोग रहा है। सारा संसार आपके कर्मों का फल भोग रहा है। भूदेवी क्षुब्ध हो उठी है, एक माँ की हर मत लीजिए स्वामी। एक माँ की संतान के प्रति ममता उसे वो शक्ति प्रदान करती है जिसके समक्ष दैवीय शक्ति तुच्छ है। मातृत्व शक्ति को पहचानिए स्वामी, मान जाइए, ये विनाश होने से रोक दीजिए। देवराज मान जाइए, अपना हट त्याग दीजिए। सब कुछ नष्ट हो जाएगा देवराज, सृष्टि को बचा लीजिए। पिताश्री, आपका पुत्र आपके समक्ष श्वास के बिना तड़प रहा है, आप मुझे स्वस्थ कर सकते हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे। ऐसे अमरत्व को पाकर मैं क्या करूंगा, मैं ये जीवन त्यागने जा रहा हूँ। पिताश्री, पुत्र नहीं, अपने नियमों का पालन कराना आपका धर्म नहीं है स्वामी। प्रजा राजा के लिए पुत्र के समान होती है। राजा का धर्म है प्रजा का पालन करना, पुत्र की भांति, ना कि उनपे शासन करना शासक की भांति। और उन सहस्त्र प्राणियों के बारे में सोचिए, उन्होंने तो कोई आपका नियम भी नहीं तोड़ा, किंतु इस विनाश लीला के कारण वे सब भी असमय ही काल के गाल में समा जाएंगे। उठो पुत्र, पुत्र उठो। प्राण वायु के बिना प्राण भी शक्तिहीन हो जाते हैं देवराज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे पुत्र, तुम्हें उठना होगा। तुम्हें उठना ही होगा। अब इंद्रदेव वज्र से किसके प्राण हरने वाले हैं? एक माँ को उसका पुत्र मारुति को पुनः हमारे पास भेज दीजिए, कृपा कीजिए प्रभु।
इंद्रदेव, यदि आप अब भी अपने हट पर अड़े रहे तो इस सृष्टि का अंत निश्चित है। मेरे क्रोध की ज्वाला में सब भस्म हो जाएगा। तो भूदेवी के कारण ये सब हो रहा है। नारायण नारायण। प्रणाम त्रिदेव। आप ही कुछ कीजिए देवेश्वर। इंद्रदेव का हट सृष्टि को विनाश की सीमा पर ले आया है। कुछ कीजिए त्रिदेव, अन्यथा सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भूदेवी, ये क्या कर रही हैं आप? अपना ये कोप शांत कीजिए, आदेश है ये मेरा। देवराज, आप मुझे आदेश देने का अधिकार खो चुके हैं। आप चाहे तो मुझे भस्म कर सकते हैं, किंतु भूदेवी, संसार नष्ट हो रहा है। हाँ तो क्या हुआ? आपका स्वर्गलोक तो सुरक्षित है, आपका परिवार, आपका पुत्र सब सुरक्षित है। मेरा पुत्र भी अंतिम सांसें ले रहा है। अच्छा, तो आपके पुत्र की व्यथा आपको यहाँ खींच लाई है। अरे मारुति भी तो किसी का पुत्र है, उसकी वेदना आपको दिखाई नहीं दी? देवराज, आपका ये वज्र एक महाघातक अस्त्र है। उसका प्रहार करने से पूर्व आपको भली भांति सोच विचार कर लेना चाहिए था। आपने उस बालक मारुति पर प्रहार किया जिसका जन्म राक्षसों के संहार और पृथ्वी के उद्धार में श्री राम की सहायता के लिए हुआ है। इतना घृणित कार्य करते हुए आपने तनिक भी नहीं सोचा? वज्र प्रहार करते हुए आपके हाथ में कंपन नहीं हुआ? अब तो अपना ये कोप शांत कर लीजिए। शांत? अब ये शांति तभी होगी जब मारुति को जीवन दान मिल जाएगा। जाइए और अपनी भूल सुधारिए, अन्यथा इस पृथ्वी का विनाश निश्चित है। जाइए, चले जाइए, मेरा क्षोभ अब और मत बढ़ाइए। जाइए, चले जाइए यहाँ से।